सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो देखो यार, मुझे हो रखा है फीवर, साथ ही कफ और नोज ब्लॉक्ड, और बाकी बची खुची कसर सोर थ्रोट ने पूरी कर दी है। यानी पूरी मरीजों वाली यार फीलिंग आ रही है, तो एडजस्ट कर लेना वॉइस में। खैर, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं PMGC 2020 के साथ। और हाँ, मुझे कोई भी ये नहीं कहेगा कि कोरोना पॉजिटिव है, मेरी कोरोना रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव ही है, तो कोई भी ऐसा कमेंट मत करना। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं PMGC 2020 के साथ। तो PMGC 2020 की अगर हम बात करें तो नोवा XQF ने PMGC 2020 को जीत लिया है, एंड सेलिब्रेशन पोस्ट ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। ऑल्सो PMGC के रिगार्डिंग एक अनफॉर्चुनेट न्यूज जो सामने आई वो थी BTR की ऑफिशियल अनाउंसमेंट। एंड इसको ट्रांसलेट करें तो इसमें यह है कि BTR के टू प्लेयर्स जक्सी एंड लक्सी दोनों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था 15 जनवरी को, एंड फिर वो क्वारंटाइन हुए थे, जिसके बाद 20 तारीख को उनका रिजल्ट नेगेटिव आया था, एंड फिर 30 तारीख तक उनको आइसोलेटेड रहने के लिए एडवाइस मिली है, एंड ऑन 31st वो वापस अपने होम टाउन में नजर आएंगे। ऑल्सो PMGC के रिगार्डिंग स्काउट ने ये कहा कि 4AM टीम उनकी फेवरेट टीम है जिसने PMGC में कंसिस्टेंट परफॉर्म किया, एंड ऑल्सो PMGC के बाद RRQ के Beer 11 एंड उनके कोच वो RRQ लीव करते हुए नजर आए, जिसकी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली। एंड टॉकिंग अबाउट क्रेज इन इंडिया, PMGC की हिंदी लैंग्वेज स्ट्रीम में हाईएस्ट वॉचिंग 100K के करीब नजर आई, वो भी जब किसी इंडियन टीम ने यार पार्ट नहीं लिया था। तो अगर कोई भी इंडियन टीम पार्ट ले रही होती तो सोचो वॉचिंग क्या जा सकती थी। खैर, अब बात कर लेते हैं क्रॉन्टन के बारे में। तो क्रॉन्टन ने रिसेंटली गॉडल की ऑफिशियल जर्सी को फाइनलाइज किया उनके कम्युनिटी पोस्ट पर, एंड ऑन स्क्रीन जर्सी आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस के बारे में। तो रिसेंटली क्लैश ऑफ क्लैंस में न्यू टाउन हॉल TH14 आ चुका है, एंड TH14 पर Sumit07 ने बात भी करी। अब बात कर लेते हैं मांबा के बारे में। तो रिसेंटली मांबा ने ये कुछ वर्ड्स पोस्ट किए, फेम डिगर्स ऑल अराउंड। अब ये उन्होंने किस चीज के रिगार्डिंग या किसके रिगार्डिंग कहा वो उन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात कर लेते हैं OR एंटो के बारे में। तो रिसेंटली एंटो से पूछा गया था एक शॉर्ट Q&A के टाइम कि वो मावी के साथ अब क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो एंटो ने बताया कि डिवाइस आने के बाद वो जरूर खेलेंगे। ऑल्सो उन्होंने ये बताया कि जल्दी कोई अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी OR की तरफ से। अब बात कर लेते हैं फ्री फायर के बारे में। तो रिसेंटली फ्री फायर की तरफ से एक लीक सामने आ रही है, एंड वो ये कि शायद से CR7 और वन पंच मैन के कोलैब के बाद अब फ्री फायर का एक न्यू कोलैबोरेशन हमें देखने को मिल सकता है फेमस वियतनामी सिंगर के साथ एक न्यू कैरेक्टर स्काइलर के लॉन्च के लिए। लेट्स ये कोलैब हमें देखने को कब मिलता है। ऑल्सो फ्री फायर की बात हो रही है तो AS गेमिंग की तरफ से AS ई-स्पोर्ट्स हमें देखने को मिलने वाली है, यानी कि फ्री फायर टूर्नामेंट के लिए AS ई-स्पोर्ट्स हमें देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं टेंसेंट के बारे में। तो जैसे कि कुछ समय पहले मैंने बताया था कि टेंसेंट किसी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में नजर आने वाली है, एंड रिसेंटली टेंसेंट ने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस करी है रेड मैजिक के साथ। अब बात कर लेते हैं पबजी मोबाइल के बारे में। तो पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन के अंदर एक न्यू स्पेशल चीज आने वाली है, एंड वो ये कि पबजी मोबाइल में पाकिस्तान का खुद का एक सर्वर आने वाला है, जैसा कि मिडिल ईस्ट एक्सेट्रा हुआ करते हैं वैसे ही पाकिस्तान के लिए एक एक्सक्लूसिव सर्वर आने वाला है, तो पाकिस्तानी पबजी फैंस के लिए बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं 8-bit के बारे में। तो थग ने रिसेंटली अक्षु को काफी गिफ्ट्स दिए, इन मॉडर्न टर्म्स कहा जाए तो बाइंग होल स्टोर, एंड टोटल बिल 40K प्लस था, एंड अक्षु ने इस पे रिएक्ट करते हुए ये कहा कि उनको ये सपने जैसा लगा। ऑल्सो इसका व्लॉग हमें नजर आया। नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट 8-bit स्मोक का कॉन्ट्रैक्ट हमें ओवर होता हुआ नजर आया। अब बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट ने गेमिंग इंडस्ट्री में $5 बिलियन का रेवेन्यू पहली बार क्रॉस किया एक क्वार्टर में जो दिसंबर में एंड हुआ। अब बात कर लेते हैं रॉनी के बारे में। तो रिसेंटली रॉनी ने बात करी अपने माइनक्राफ्ट सर्वर की, एंड उन्होंने इसके रिगार्डिंग कुछ ये कहा। मैं और मेरी टीम एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो कि था द रॉनी SMP ऑन माइनक्राफ्ट। तो ये माइनक्राफ्ट का एक सर्वर है जहाँ पे तुम लोग खेल सकते हो, मैं खेल सकता हूँ, और ये इतना प्यार से हम सब ने बनाया, इतना मेहनत लगा इसके पीछे, सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इसके पीछे, सारे मॉड, सारे एडमिन, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया इसके पीछे, और ये सर्वर आज तैयार हो गया, सर्वर आज लॉन्च हुआ था, आज मैं सोया नहीं तो आज ही हो गया, और जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा लोग एक साथ आ गए। हमारा एक्सपेक्टेशन आसपास 1,500-2,000 लोग का था, पर सर्वर में ऑलमोस्ट 11,000 के इतने लोग एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। ओ भाई, थैंक यू सो मच गाइस फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पांस ऑन द सर्वर। अब बात कर लेते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी ने रिसेंटली बात करी ऑन लाइव मुंबई गलीज गेम के बारे में, जिसको कैरी ने GTA 6 भी कहा, एंड उन्होंने ये भी कहा कि वो अवेट कर रहे हैं इस गेम के मेन ट्रेलर का और मेन गेम प्ले का। अब बात कर लेते हैं वैलोरेंट के बारे में। तो वैलोरेंट में एक स्क्रिम के दौरान एक पॉपुलर प्लेयर रीफ्लेक FPS लाइव बैंड होते हुए नजर आए हैक यूज करने की वजह से, एंड वो क्लिप आप देख सकते हो। Did my game cheater detect? What? What?
He said tryout. अब बात कर लेते हैं मॉर्टल के बारे में। तो मॉर्टल ने रिसेंटली ये बताया कि उनकी तरफ से जल्दी एक अनाउंसमेंट हमें देखने को मिलने वाली है, जिसका प्रिपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया रेगुलर स्ट्रीम्स का, वो रेगुलर स्ट्रीम्स करेंगे। एंड जिस दिन स्ट्रीम नहीं होगी वो अपडेट देते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं ओशन के बारे में। तो रिसेंटली ओशन ने बात करी टीएसएम के गन फाइट और स्ट्रेटेजी पर। एंड ओशन ने ये कहा कि टीएसएम वो टीम है जो घुस के भावना जानती है। वेल आई गेस यार ये लाइन ही बहुत कुछ बताती है कि टीएसएम कितनी डोमिनेटिंग टीम है। अब बात कर लेते हैं हमारे अपने फौजी के बारे में। तो फौजी गेम के रिगार्डिंग काफी बातें, ओपिनियंस एंड इवन सजेशंस हमें देखने को मिले, जिसपे मैंने रिसेंट लास्ट वीडियो में बात भी करी थी। एंड आगे और भी गेमर्स लाइक स्काउट, कैरिमिनाटी, शिमान लेजेंड और भी गेमर्स सबने ही अपने अपने ओपिनियंस दिए। तो फर्स्टली फौजी की रेटिंग करेंटली 3.6 स्टार्स पर नजर आई प्ले स्टोर पर, एंड मोस्टली नेगेटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला। तो फौजी के ऊपर मैक्सटे ने डेडिकेटेड वीडियो बनाई जहां पर उन्होंने फौजी पर बात करी, हेटर्स सपोर्टर्स दोनों पर वर्ड्स कहे, एंड प्लस फौजी पर मेनली कुछ ये कहा। सबसे पहले उन लोगों की बात करेंगे जो सबसे पहले यही कहते हैं कि सपोर्ट इंडियन गेम, तो इंडियन गेम को सपोर्ट नहीं कर सकता क्या? अब देखो इंडियन गेम को सपोर्ट करना ऑब्वियसली हमारा कर्तव्य है, इसलिए तो मैं कहता हूँ हम हमेशा बच्चों को 15 मार्क्स देते हैं, बेशक वो 5 मार्क्स का लिख के आए, क्योंकि वो इंडियन है और हम भी इंडियन है। तो इंडियन के होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है क्यों ना मैं उस इंडियन स्टूडेंट को सपोर्ट करूँ ताकि वो खुश रहे। ऑल्सो आगे अगर हम बात करें फौजी की, तो फौजी पर पॉजिटिव सपोर्ट दिखाते हुए श्रीमान लेजेंड ने कुछ ये कहा। आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, अगर कोई गेम नया आता है, पहला मतलब वो इंडियन गेम हो या कोई भी गेम हो, जो नया आता है वो अंडर डेवलपमेंट ही रहता है, उसमें बहुत सी चीज़ें रहती है। आपको पता है पबजी, जो पबजी पीसी है वो 1-1.5 साल तक बीटा वर्जन में ही था, आपको पता है ये चीज़? पता है 1-1.5 साल के बाद वो ऑफिशियली लॉन्च हुआ। वैसे बीटा वर्जन में अवेलेबल था लेकिन ऑफिशियली पब्लिक के लिए लॉन्च हुआ 1-1.5 साल बाद, वो अंडर डेवलपमेंट था। और ये एक इंडियन गेम है, अब ये पहली शुरुआत है। पहली शुरुआत में अगर आप बोलोगे कि चला ये बंदा पहली शुरुआत में HD ग्राफिक्स दे दे, एकदम हमें फिजिक्स पबजी के जैसे मैकेनिज्म और फिजिक्स चाहिए, वैसे का वैसा गेम प्ले चाहिए और वही फील आना चाहिए, तो ऐसे कैसे हो सकता है यार? मेहनत नहीं लगती है क्या? हर चीज़ को मेहनत लगती है। आपको बॉडी बनाने के लिए आप जब सुकड़े होते हो तो डायरेक्टली जिम जाओगे, दूसरे दिन क्या बिल्डर बन के बाहर आओगे, या फिर जब पढ़ाई करने जाओगे तो पहले दिन में क्या ग्रेजुएट होके बाहर आओगे, या प्यार करने जाओगे तो पहले दिन में क्या आप बच्चों के साथ बाइकों के साथ बाहर आओगे? नहीं ना, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। इस गेम को अपना टाइम दो, एक इंडियन गेम है, अगर इंडियन गेम को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? हम इंडियंस है ना, हमें अपने गेम को पहला प्राधान्य देना चाहिए। पबजी पबजी है, आई नो पबजी बहुत बेहतर गेम है और बहुत स्टेबल गेम है आज की डेट में, लेकिन पबजी की कितनी अपडेट आई आपने कभी गिनी है? पबजी की कम से कम 30-35 से ज्यादा अपडेट्स आई, तब जाके पबजी एक स्टेबल गेम बन पाया है। अभी भी उसमें ग्लिच और कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहती है, सिंपल है। अभी इसके अपडेट आएंगी, ये गेम डेवलप होता जाएगा, धीरे धीरे स्टोरी बनेगी। अभी कैसे थोड़ा सा बर्डन होता है, टाइम लिमिट था, 26 जनवरी में गेम लॉन्च करना था, आपके सामने एक अच्छी सी स्टोरी उन्होंने लॉन्च कर दी जो कि बहुत बेहतरीन है, हिंदी में गेम। एंड एज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव रिस्पॉन्स, फौजी डाउनलोड चार्ट में #1 पर नजर आया। ऑल्सो विद इन 24 hours में 1 million डाउनलोड नजर आए इस गेम के। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स के बीच अगर ट्रोलिंग और फन की बात करें तो कैरी मिनाटी ने फौजी के बारे में ऑन लाइव बात करी। वो कौन सी गेम थी जो बहुत बढ़िया थी? फौजी यस, फाड़ गेम है, फाड़। मजा आ गया भाई। कतल कतल भाई, बस कोई कहते हुए सुन ना ले इसको। क्या फाड़ गेम थी ना, मतलब खत्म कर दी ग्राफिक्स कितने ऐसे रियलिस्ट, मुझे ऐसा लग रहा था मैं खुद मार रहा हूँ। तुझे नहीं लगा ऐसा है? मुझे तो ऐसे ही लगा, बिल्कुल मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब जन्म जन्म की गेम मिल गई है। कम से कम कितना 8-10 साल तो स्ट्रीम खेलेंगे स्ट्रीम के साथ भी। मेरे को लगता है कम से कम 10 साल है इसकी रिटेंशन इस फौजी की। कितने लोगों के करियर बन जाएंगे भाई फौजी से, तेरे को पता नहीं है। स्ट्रीमिंग की मार्केट बूम हो जाएगी, बूम।
ऑल्सो स्काउट मावी सभी ने फन किया फौजी को लेकर के, लाइक फौजी के लिए इतना हैवी डिवाइस नहीं है, फौजी में पहले से फ्यूचर पता होता है कि आगे कैसे फाइट सीन होने वाले हैं। ऑल्सो स्काउट की बात हो रही है तो कुछ कमेंट्स लाइक व्हेन यू वेक अप इन मॉर्निंग नथिंग हैज चेंज्ड, इन पे रिएक्ट करते हुए कुछ ये वर्ड्स का जो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। तो बस यही थी आज की सारी गेमिंग न्यूज एंड अपडेट्स, और यार विश करना कि मेरा गला और मेरी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। बाकी यार मैं भी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना रेक्स साइनिंग ऑफ।